ज्ञान उत्कर्ष एजुकेटर, और जैसे कि हमने टेरिटोरियल आर्मी पीआईबी एग्जाम 2020 की एलिमेंट्री मैथमेटिक्स स्टार्ट की थी और हमने ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स के बारे में स्टडी किया, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में स्टडी किया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेसिप्रोकल्स के बारे में स्टडी किया, वो भी आपको समझ में आया होगा। आज हम जो स्टडी करने जा रहे हैं, और मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ भी बताई थी कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं हमारे फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, इनका बड़ा रोल है, ध्यान रखिए। मैंने आपको ट्रिक बता दी थी कि फर्स्ट क्वार्टर में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, इसमें ओनली साइन फैमिली मतलब साइन थीटा और कोसेक थीटा, साइन थीटा और कोसेक थीटा ही यहाँ पॉजिटिव होंगे। यहाँ पर कौन थे, यहाँ टेन थीटा और कॉट थीटा, और यहाँ पर कॉस थीटा और सेक थीटा। तो एएसटीसी की ट्रिक बताई थी मैंने, और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें कौन सा एंगल आता है, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा पे फर्स्ट क्वाड्रेंट, या फिर 360 प्लस थीटा पे, क्योंकि ये क्या होता है बेटा 360 की होती है, जीरो और 360 होता है, जीरो से स्टार्ट होता है या पूरा राउंड लगा के आओगे 360 पे खत्म होगा। ये जीरो है, ये 90 है, ये आपका 180 है, ये आपका 270 है। तो देख लो 360 प्लस थीटा पे फर्स्ट आएगा, 360 माइनस थीटा पे फोर्थ आएगा, और 270 प्लस थीटा पे फोर्थ आएगा। उसी तरह यहाँ पर देखो थर्ड क्वाड्रेंट कहाँ आएगा, 270 माइनस थीटा पे और 180 प्लस थीटा पे। उसी तरह ये किसमें आएगा, 90 प्लस थीटा पे सेकंड क्वाड्रेंट और 180 माइनस थीटा पे सेकंड क्वाड्रेंट आएगा। मैंने आपको एक चीजें बता दी थी, ठीक है। और दूसरी बात, मैंने आपको कुछ कन्वर्जन्स बताए थे जिसके बारे में आज दोबारा स्टडी करेंगे, तो कन्वर्जन्स को ध्यान से देखिएगा। कन्वर्जन्स कैसे करते हैं, देखिए साइन, अगर मैं आपसे पूछूं कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो साइन 90 माइनस थीटा ध्यान रखिएगा कॉस थीटा होता है। क्या होता है, कॉस थीटा में कन्वर्ट हो जाता है। 90 आते ही 90 या 90 के ऑड मल्टीपल्स, 90 या 90 के ऑड मल्टीपल्स आए, मतलब कि n into 90 या इसको ऐसे लिखेंगे हम n plus 1 into 90 plus minus थीटा। ये अगर आपको फॉर्मेट देखने को मिले n plus 1 into 90 plus minus थीटा, जैसे n की वैल्यू 1 रखोगे तो सर n की वैल्यू आपको क्या रखनी है, ध्यान रखना, सॉरी मैंने यहाँ पर 2n नहीं किया, 1 second, This is 2n plus 1 into 90 plus minus theta, मतलब odd multiple, जैसे n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 plus 1 3 odd multiples आएंगे, तो odd multiples of 90 plus minus theta पे वैल्यू चेंज होगी, क्या होगी, चेंज होती है। sin theta, cos theta, sec theta, cosec theta, इन सब की वैल्यू 90 के odd multiples पे चेंज होती है। जैसे sin 90 minus theta है वो cos theta आ गया, 90 आते ही समझ जाना कि चेंज होना है। उसी तरह sin 90 plus theta की बात करूं तो वो भी क्या होता है, देखो sin 90 minus theta, 90 minus theta कौन से quadrant में आया, first quadrant में, first quadrant में सारे के सारे positive हैं, तो sin की value positive में cos theta आएगी। sin 90 plus theta कहां पर आ रहा है, देखो second quadrant में, second quadrant में sin क्या है, positive है, तो इसकी value यहां पर भी cos theta ही होगी। अब आ जाते हैं cos theta पे, तो cos 90 minus theta, cos 90 minus theta की हम बात करते हैं, तो cos 90 minus theta जान रखिएगा क्या होता है, sin theta होता है। cos 90 देखो sin cos में चेंज होता है, cos sin में चेंज होता है, cos 90 minus theta sin theta positive में होगा, क्योंकि 90 minus theta कौन से quadrant में, first quadrant, और first quadrant में सारे के सारे positive होते हैं। उसी तरह अगर हम बात करें cos 90 plus theta की, तो अब आप सोच के बताइए 90 plus theta है तो change तो sin में होगा, but sin इस बार plus में नहीं आएगा, minus में आएगा, because sin theta minus में, अब देखो sin theta minus में आया, अब ये मत समझना कि यहाँ sin positive होता है तो यहाँ minus में क्यों आया, इसका कारण ये है कि change कौन हुआ है, cos change हुआ है, cos अपना रूप बदल के sin में change हुआ है ये cos ही है, ये cos 90 plus theta है, ध्यान से देखिए cos 90 plus theta कौन से quadrant में आया, second quadrant में, cos की value second quadrant में होती है negative, क्योंकि यहाँ sin और cosec ही positive होते हैं, बाकी सब negative,
तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos थीटा की वैल्यू होती है नेगेटिव, इसलिए माइनस और sin थीटा आएगा। दूसरी बात करते हैं, चलो tan थीटा की, tan 90 plus थीटा की हमने बात की, तो देखो tan चलो 90 minus थीटा से स्टार्ट करते हैं। tan 90 minus थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में चेंज हो जाएगा cot थीटा में, उसी तरह cot 90 minus थीटा चेंज हो जाएगा tan थीटा में। 90 माइनस थीटा में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, तो बिना आंख बंद करके हम उनको वैल्यू प्लस में लिखेंगे, ठीक है। वैल्यू जो भी आ रही है, टेन का कॉट करना है, कॉट का टेन करना है, साइन का कोई लफड़ा नहीं है। 90 माइनस थीटा में साइन का कोई लफड़ा नहीं है, क्योंकि 90 माइनस थीटा या 360 प्लस थीटा में वैल्यूज जो होती है वो पॉजिटिव होती है। लफड़ा कहाँ से स्टार्ट होता है? 90 प्लस थीटा से। अब मानते हैं टेन 90 प्लस थीटा, तो आप सोच समझ के आंसर दीजिएगा। tan 90 plus theta क्या है? tan की वैल्यू 90 plus theta में क्या होती है? नेगेटिव होती है, because ये sin का इलाका है, ये sin theta का इलाका है। sin theta के इलाके में सिर्फ sin और cosec ही पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब नेगेटिव। tan यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, और sin के इलाके में आ गया, ये sin का इलाका है, tan का इलाका नहीं है, इसलिए यहाँ पर माइनस ऑफ cot theta आपको लगाना पड़ेगा। उसी तरह अगर हम बात करें cot 90 plus theta की, तो वो भी क्या हो जाएगा? minus of tan theta। tan और cot एक दूसरे के reciprocal ही तो होते हैं, ओके? दूसरी हम बात करते हैं, देखिए कि important चीज यहाँ पर, एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पर ये तो 90 में चल रहा है, अगर यहाँ पर 180 में आ जाए तो क्या करते हैं? एक और आप sec का भी देख सकते हो, sec का देख लो, sec 90 माइनस थीटा वो होता है कोसेक थीटा। देखो साइन कॉस में चेंज होता है, साइन का कोसेक मत कर देना, साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस साइन में चेंज होगा, टेन कॉट में होगा, और सेक कोसेक में होगा, और कोसेक सेक में होगा। तो सेक 90 माइनस थीटा क्या होगा? कोसेक थीटा होगा, और कोसेक 90 माइनस थीटा भी सेक थीटा ही होगा। अगर मैं सेक 90 प्लस थीटा की बात करूं, sec 90 plus theta, तो ये कौन सा इलाका आ गया? second quadrant आ गया, second quadrant 90 plus theta, यहाँ पर sec negative मतलब cosec minus का रहेगा। अब 180 angles की बात करें, तो 180 angles में ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ पर अगर मैं लिखूँ sin 180 plus theta, तो ध्यान से देखिए 180 plus theta कहाँ आ रहा है? third quadrant में आ रहा है। और हमेशा ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने आपको बताया था 2n plus 1 into 90 plus minus theta में ही वैल्यू चेंज होगी। अगर यहाँ पर 90 का इवन मल्टीपल है, 90 का कौन सा मल्टीपल है? इवन मल्टीपल है, तो वैल्यू चेंज नहीं होगी, मतलब n into 90 plus minus theta पे नो चेंज, वैल्यू जैसी है वैसी की रहेगी, वैल्यू जैसी है वैसी की वैसी रहेगी। बट ध्यान रखिएगा साइन चेंज होगा, और साइन तभी चेंज करना। देखो यहाँ पर हमने थीटा को क्या माना है, ये जितने भी हम फॉर्मूला देख रहे हैं, यहाँ पर थीटा को हमने न्यून कोण माना है, एक्यूट एंगल माना है, एक्यूट एंगल न्यून कोण मान के कर रहे हैं। 90 या 90 से कम, 90 भी चलेगा, राइट एंगल भी हो सकता है, एक्यूट थीटा राइट एंगल भी हो सकता है, एक्यूट एंगल भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा एक्यूट या 90, उससे ज्यादा नहीं होगा 90 से ज्यादा। वैसे हम यहाँ एक्यूट ही मान के चलेंगे, इसको राइट एंगल भी नहीं मानेंगे, थीटा को हमने क्या माना है? एक्यूट एंगल माना है। तो एक्यूट एंगल में ये सारी की सारी कैलकुलेशन हो रही है। अब ध्यान से देखिए 180 प्लस थीटा, तो कौन से क्वाड्रेंट में आ गया? थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन होता है नेगेटिव, तो मैंने आपको बता दिया 90 के इवन मल्टीपल कौन है? देखिए 180, 90 का इवन मल्टीपल है, 92 जा कितने होते हैं? 180। उसी तरह जैसे 94 जा कितने होते हैं? 360। तो 360 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा में कोई वैल्यू चेंज नहीं होती, साइन है तो साइन का साइन ही रहेगा, साइन का क्या रहेगा? साइन ही रहेगा, बस साइन लग जाएगा नेगेटिव, बिकॉज थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है इसलिए वैल्यू नेगेटिव रहेगी, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट 180 प्लस थीटा का है, और 180 प्लस थीटा में यानी थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, बिकॉज ये टेन का इलाका है, टेन यहाँ पर पॉजिटिव होगा। उसी तरह अगर मैं cos 180 plus theta की बात करूं, तो वो भी minus of cos theta होगा। अच्छा एक रह गया sin 180 minus theta, sin 180 minus theta कितना होगा आप देख लीजिए, sin 180 minus theta मतलब हो रहा है कौन से quadrant में? second quadrant में, second quadrant में sin होता है positive, तो value रहेगी positive sin theta।
पर cos का केस ऐसा नहीं है, cos का केस क्या है 180 plus theta, cos हमेशा फोर्थ क्वाड्रेंट में ही पॉजिटिव होता है, इसलिए cos 180 plus theta मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव ही रहेगा, साथ ही साथ अगर वो सेकंड क्वाड्रेंट में भी जाता है cos theta आपको पता है फोर्थ या फर्स्ट में पॉजिटिव होगा, फर्स्ट में तो सारे ही होते हैं, फोर्थ में cos पॉजिटिव होता है, तो cos अगर मैं 180 minus theta भी करता हूं ना बेटा तो आपको minus of cos theta ही लिखना है, तो cos 180 ऐसे लिख सकता हूं मैं कि cos 180 plus minus theta पे वैल्यू सेम रहती है cos की minus of cos theta, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू 180 plus theta थर्ड क्वाड्रेंट है cos की वैल्यू नेगेटिव है, 180 minus theta सेकंड क्वाड्रेंट है cos की वैल्यू नेगेटिव है, इसलिए माइनस। ओके चलो tan में आते हैं, tan 180 plus theta की बात करूं मैं तो सिंपल सी चीज है, tan 180 plus 180 आ गया, 180 देखते ही कोई चेंज नहीं करना, tan का tan ही रखना है, पर sin किसका रहेगा पॉजिटिव ही रहेगा, बिकॉज़ थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू कैसी होती है पॉजिटिव होती है, किसकी tan theta की, tan फैमिली थर्ड क्वाड्रेंट की है, tan और cot, cot 180 plus theta भी करूंगा ना मैं, cot 180 plus theta भी करूंगा तो वो भी cot theta ही रहेगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट 180 plus theta में tan और cot होते हैं पॉजिटिव, इसलिए वैल्यू रहेगी पॉजिटिव। ओके तो यहां तक का आपको क्लियर अच्छी तरह से, ठीक है ये आप देख लीजिएगा अच्छी तरह से, यहां पर हमने एक्चुअली किसकी हम बात कर रहे हैं, यहां पर हम कन्वर्जन की बात कर रहे हैं, ठीक है कन्वर्जन की यहां बात हो रही है कि एंगल्स जो होते हैं वो कैसे कन्वर्ट होते हैं 90 प्लस में और 90 माइनस में, 180 प्लस में 180 माइनस में, तो हम कन्वर्ट कर रहे हैं एंगल्स को, साइन को एक साइन फंक्शन को दूसरे फंक्शन में कन्वर्ट कब होता है, जब ऑड मल्टीपल ऑफ 90 प्लस माइनस थीटा हो तो वो चेंज हो जाएगा, साइन कॉस में कॉस साइन में, tan cot में cot tan में, cosec sec में sec cosec में, वो कब होगा odd multiples of 90 मतलब 90 plus minus theta 270 plus minus theta इन सब में, 90 के जो भी odd multiples है ना वो आप देख लीजिएगा 450 plus minus theta, ये सब odd multiples में ही value change होती है, even multiples में कोई, even multiples मतलब 180 plus theta 360 plus theta में value change नहीं होगी, बस क्या change होगा sign change होगा, sign मतलब प्लस या माइनस। ओके आगे चलते हैं, अगर मैं यहां बात करता हूं कि भाई कोसेक मैं ले लेता हूं चलो कोसेक की वैल्यू तो आपको पता है कि साइन की जैसी होगी, कोसेक लेने की जरूरत नहीं है, जो वैल्यू साइन की है वही कोसेक की होगी, जो वैल्यू कॉस की है वही सेक की होगी, कोसेक 180 प्लस थीटा करता हूं तो माइनस ऑफ कोसेक थीटा आएगा, कोसेक साइन का उल्टा ही तो होता है, तो cosec 180 plus theta करूंगा तो minus of cosec theta आएगा, cos का उल्टा होता है sec, तो sec 180 plus theta करूंगा तो minus of sec theta ही आएगा, sec 180 minus theta करूंगा तो minus of sec theta ही आएगा, tan मत अब मैं तरीका आपको बता दिया कैसे आपको पता करना है, मैंने आपको एक चीज बता दी है कि भाई odd multiples पे तो होगी वैल्यू चेंज, 90 plus minus theta हो जैसे 90 minus theta 90 plus theta 270 plus theta 270 minus theta 270 भी आ जाए ना यहाँ पर 90 की जगह मान लो 270 आ जाए तो भी वैल्यू चेंज करनी है, बस क्वाड्रेंट चेंज हो जाएगा, sin 270 plus theta मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट में, sin 90 plus theta कहाँ पर है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्वाड्रेंट का फर्क रहेगा बाकी वैल्यू चेंज होगी, दूसरी आपको मैंने ये बता दिया कि 180 में और 360 में वैल्यू कोई चेंज नहीं होती है, ठीक है 360 में वैल्यू चेंज नहीं होगी सेम टू सेम रहेगी, बस क्वाड्रेंट चेंज होगा, तो 360 पर डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा, जैसे sin 360 plus theta, अब 360 क्या है even multiples of 90 है, even multiples of 90 में कोई चेंज नहीं होगा, sin theta का sin theta ही रहेगा, 360 plus theta कौन से quadrant में आ रहा है first quadrant में आ रहा है इसलिए sin का sin ही रहा, उसी तरह cos 360 plus theta की हम बात करें तो वो भी क्या रहेगा cos theta ही रहेगा क्योंकि first quadrant में है, अच्छा अगर यहाँ पर sin 360 minus theta होता तो क्या करते, सोच समझ के मन में सोचो आप आंसर, अगर यहाँ sin 360 minus theta
360 में तो वैल्यू चेंज नहीं होगी क्योंकि इवन मल्टीपल्स ऑफ 90 में वैल्यू चेंज नहीं होती है। 360 माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, अब फोर्थ में होता है साइन नेगेटिव, इसलिए माइनस ऑफ साइन थीटा आएगा। उसी तरह cos 360 माइनस थीटा, अब cos 360 माइनस थीटा का केस से देखिए, ध्यान से देखिए, cos 360 प्लस थीटा में cos थीटा था, cos 360 माइनस थीटा पे भी cos थीटा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि दोनों ही cos 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट किसका है? फोर्थ क्वाड्रेंट है cos फैमिली का, इसलिए cos थीटा यहां पर cos रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। वही बात यहां पर sec थीटा की भी आ जाएगी, tan थीटा की चलो कर लेते हैं। sec 360 माइनस थीटा sec थीटा ही रहेगा, तो sec और cos एक दूसरे के रेसिप्रोकल ही है। tan tan की बात करते हैं, tan 360 प्लस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव, tan 360 माइनस थीटा थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट नेगेटिव। बस ये चेंज करने हैं आपको, बस ये आपको आना चाहिए, बाकी तो सिंपल ही है, कोई दिक्कत नहीं है इससे ज्यादा। अच्छा 270 पे वैल्यू आते क्या करेंगे? अगर वैल्यू 270 पे आए तो क्या करेंगे? जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं, बाकी तो आप खुद भी बना सकते हो अपने, आप समझ चुके हो कि क्वाड्रेंट्स किस किस पे आ रहे हैं। आप ये देख लीजिए क्वाड्रेंट्स का एंगल कौन कौन सा है, 90 माइनस थीटा पे कौन सा आता है, 360। अब मैंने आपको तरीका बता दिया, रामबाण तरीका ये है कि अगर इवन मल्टीपल्स ऑफ 90 है, जैसे 180 प्लस 360 प्लस, ठीक है, इवन मल्टीपल्स ओनली इवन, जैसे 540 पे तो ज्यादा जल्दी नहीं है वैल्यू, बट ओनली 180 और 360 ही रहेंगे, तो 180 प्लस और 360 प्लस थीटा में कोई चेंज नहीं होगा, बस साइन बदलेगा, प्लस माइनस बदलेगा क्वाड्रेंट के हिसाब से। 90 प्लस थीटा मतलब कि ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 है, जैसे 90 प्लस हो गया, 270 प्लस हो गया, इनमें वैल्यू चेंज होती है और साइन भी चेंज होता है। तो देखिए साइन 270 प्लस थीटा, और 270 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में चला गया? फोर्थ क्वाड्रेंट पे। तो ध्यान रखिएगा माइनस ऑफ कॉस थीटा, अब यहां मैंने कॉस किया है क्योंकि 270 प्लस थीटा कौन सा है? ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 है, इसलिए वैल्यू चेंज होगी, साइन का कॉस में परिवर्तन होगा और साइन भी बदलेगा क्वाड्रेंट के हिसाब से। अगर यहां पर साइन 270 माइनस थीटा होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, साइन नेगेटिव होता है, ध्यान रखिएगा। अब आप कहोगे साइन नेगेटिव है तो कॉस क्या के नेगेटिव क्यों लगा है? क्योंकि साइन बदल गया है कॉस में, ये साइन ही है, साइन चेंज हुआ है कॉस में, तो किसको चेंज कर रहे हैं? साइन को चेंज कर रहे हैं, तो साइन के हिसाब से साइन लगाया जाएगा, इस फंक्शन के हिसाब से साइन लगाना है आपको कि ये क्वाड्रेंट पे ये फंक्शन की वैल्यू क्या है। जैसे 270 माइनस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा की वैल्यू होती है नेगेटिव, इसलिए मैंने माइनस कॉस थीटा किया है। अगर यहां पर टेन 270 प्लस थीटा होता, टेन 270 प्लस थीटा, टेन थीटा 270 प्लस थीटा चला गया फोर्थ क्वाड्रेंट में, नेगेटिव होता है टेन, तो माइनस ऑफ कॉट थीटा चेंज होगा, टेन का कॉट में चेंज होगा। अगर यहाँ टेन 270 माइनस थीटा होता तो देखिए ध्यान से देखिए, थर्ड क्वाड्रेंट किसकी वैल्यू है? टेन की फैमिली है, तो प्लस का कॉट थीटा रहेगा। बस इस तरह से हमें बदलना है, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। अगर आपने तरीका सीख लिया है, क्वाड्रेंट्स आपको पता है, क्वाड्रेंट्स में कौन कौन पॉजिटिव कौन कौन नेगेटिव होता है, ये मैं आपको अच्छी तरह दोनों लेक्चर, पिछले लेक्चर में भी समझाया था, एक रिवीजन लेक्चर डाला था मैंने, उसमें भी समझाया सब चीज़ों को, और आज भी समझा रहा हूँ, तो मेरे ख्याल से अब क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये चीज़ आपको समझनी जरूरी है। और ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, 90 के इवन मल्टीपल्स पे कोई चेंज नहीं होता, ऐसे 90 180 प्लस थीटा 360 प्लस थीटा, इसमें साइन का साइन ही रहेगा, जैसे साइन 180 प्लस थीटा तो रहेगा, तो साइन थीटा, बस साइन क्या आएगा? नेगेटिव आएगा, बिकॉज थर्ड क्वाड्रेंट 180 प्लस थीटा में साइन नेगेटिव होता है। और अगर ऑड मल्टीपल्स है तो चेंज करना है, जैसे 90 प्लस थीटा 270 प्लस थीटा, इन सब में वैल्यू चेंज होती है। तो मेरे ख्याल से कन्वर्जन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब आते हैं टेबल पे, एक बार मैं आपको टेबल बनाना सिखाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है टेबल भी, टेबल बनाना सीख लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस भी स्टार्ट करेंगे इसके, और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज फिर पढ़ेंगे, क्योंकि मेन मेन टॉपिक यही है। टेबल तो मेरे ख्याल से आप सबको याद होगी, 10th क्लास सब करके आए हैं, फिर भी अगर नहीं आती तो बता देता हूँ आपको।
आपको बस क्या करना है, एक वैल्यू याद रखनी है थीटा। थीटा कहां से स्टार्ट करना है, 0 डिग्री से, फिर आता है 30 डिग्री, फिर आता है 45 डिग्री, फिर आता है 60 डिग्री, फिर आता है 90 डिग्री। बस 90 तक की वैल्यू याद रखनी है, बाकी की बात हम सिखा देंगे हम आपको, बड़ी वैल्यू निकालना सिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। थीटा, थीटा में कौन कौन आते हैं, सबसे पहले साइन को याद रख लो, ओनली साइन याद रख लो, बाकी सब साइन से ही बनने वाले हैं। साइन की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए डिग्रीज में, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो साइन 0 होता है 0, साइन 30 होता है 1/2, साइन 45 होता है 1/√2, साइन 60 होता है √3/2 और साइन 90 होता है 1। साइन की वैल्यू जो होती है ना वो 0 से 1 तक जाती है, 0 डिग्री से 90 डिग्री में। साइन का डोमेन, साइन का डोमेन याद रखना, साइन का डोमेन क्या होता है, 0, 1, मतलब 0 से स्टार्ट होती है 1 तक जाती है वैल्यू, 90 तक, एंगल 0 डिग्री से 90 डिग्री तक। तो देखिए ध्यान से देखिए, 0 के 1 के बीच आपको एक चीज याद रखनी कि sin 0 डिग्री 0 होता है, sin 90 डिग्री 1 होता है, बीच वाली अपने आप ही याद हो जाएंगी, 30 डिग्री 1/2, 45 1/√2, 60 √3/2। बस अब आपको क्या करना है, cos की वैल्यू, cos का डोमेन जो होता है ना वो 1, 0 होता है, मतलब स्टार्ट 1 से होती है, 0 पे खत्म होती है। तो sin का उल्टा हो गया ना, एक तरह से sin की वैल्यू को उल्टा कर दो, sin की वैल्यू आपने 0 से 1 तक लिखी थी, cos की वैल्यू आपको उल्टी लिखनी है, जो sin की वैल्यू है ना उसकी उल्टी लिख दो। यहां जैसे 1 लिखा, यहां लिख दो √3/2, यहां तो 1/√2 दोनों कॉमन ही आएंगे और यहां आ जाएगा 1/2 और फिर 0 दे। sin की वैल्यू ऐसे चल रही है, cos की वैल्यू अपोजिट चल रही है sin के, sin की वैल्यू ऐसे चल रही है 0 टू 1, cos की वैल्यू जस्ट अपोजिट चल रही है। आप देखो sin 0 1 होता है, cos 0 1 होता है, cos 30 √3/2 जो कि sin 60 है, sin 40 cos 45 1/√2, cos 60 1/2। मतलब आप sin की वैल्यू याद रख लो और sin की वैल्यू को उल्टा लिख दो, मतलब 1√3/2 1/√2 1/2 और 0, 1√3/2 1/√2 1/2 और 0, ये हो जाएंगी cos की वैल्यूज। अब आपको tan की वैल्यू निकालनी है, tan theta की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो ध्यान रखिएगा रेशियोस में आपने पढ़ा होगा कि tan थीटा जो होता है ना वो sin थीटा और cos थीटा का ही रेशियो होता है। tan थीटा क्या होता है, sin अपॉन में cos होता है, तो बस डिवाइड कर लो, sin थीटा अपॉन में cos थीटा tan थीटा, तो 0/1 0, इसको डिवाइड करो तो कितना हो गया, 2 से 2 कट गया, 1/√2 बचा, सॉरी 1/√3 बचा, इन दोनों को डिवाइड करो कट गए 1 बचा, इन दोनों को डिवाइड करो 2 से 2 कट गया √3। 1/0 मैथ्स में कभी भी 0 का डिवाइड नहीं होता, तो वो नॉट डिफाइन होता है, वो नॉट डिफाइन होता है या इनफाइनाइट जिसे कहते हैं, तो यहां पर आप इनफाइनाइट लिख सकते हैं या नॉट डिफाइन, क्योंकि 1/0 की वैल्यू कुछ भी नहीं होती है। tan tan थीटा tan 90 डिग्री कैसे होगा, sin 90 अपॉन में cos 90, sin 90 1 है, cos 90 0 है, 1/0 नॉट डिफाइन, मैथ्स में डिफाइन नहीं है। अब देखिए cot थीटा की अपने आप बन जाएंगी, आपको पता है tan थीटा जो होता है वो cot थीटा का उल्टा होता है, tan का उल्टा कौन होता है, cot, जो cot थीटा की जो वैल्यूज होंगी वो tan थीटा की उल्टी होंगी। तो 0 का उल्टा करो, 0 का उल्टा होता है 1/0 करो, 0 का उल्टा 0/1 का उल्टा क्या होगा, 1/0, 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइन, 0 का उल्टा हमेशा नॉट डिफाइन होता है, इसका उल्टा कर दो √3, 1 का उल्टा तो 1, √3 का उल्टा 1/√3, नॉट का उल्टा देखो, नॉट का उल्टा क्या होगा, 1/0 अगर नॉट है तो 1/0 = 0 होगा, ध्यान रखना नॉट का उल्टा हमेशा 0 होता है। cot की हो गई, 4 हो गई, 2 और निकालनी है, 2 अपने आप आ जाएंगी, cosec की निकाल लो, cosec थीटा sin का उल्टा होता है, cosec किसका उल्टा होता है, sin का उल्टा होता है, sin का रेसिप्रोकल cosec, cosec थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन में sin थीटा होता है। तो ध्यान से देखिए 0 का उल्टा नॉट, cosec 0 का उल्टा होगा ना नॉट, 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा √2, √3/2 का उल्टा 2/√3 और 1 का उल्टा तो 1 ही होगा। उसी तरह sec थीटा, sec थीटा किसका उल्टा, देखो sin की वैल्यू अगर cos की वैल्यू sin की उल्टी है तो cosec की वैल्यू cosec की उल्टी होगी, या फिर cos का उल्टा कर दो, 1 का उल्टा 1, 2/√3, यहां तो √2 ही आएगा, और यहां तो लिख देता हूं 2/√3, ये कितना हो जाएगा,
कौन सा है sec 60 है, sec 60 मतलब cos 60 मतलब 1 by 2 का उल्टा मतलब 2, और 0 का उल्टा क्या होता है not defined। तो ये हमारी वैल्यूज आ गई किसकी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक की सारी वैल्यूज बता दी, और मैंने ट्रिक भी सिखा दिया आपको कि ओनली साइन की याद रख लो, कॉस की तो साइन की उल्टी है, साइन की लिखो 0 2 0 1 / 2 1 / √2 √3 / 2 1, कॉस की जस्ट अपोजिट लिख दो 1 √3 / 2 1 / √2 1 / 2 और 0 देखो 1 √3 / 2 1 / √2 1 / 2 और 0, साइन कैसे चल रही है कॉस कैसे चलेंगी, tan sin / cos 0 / 1 0, इन दोनों को डिवाइड करो 1 / √3, इन दोनों को डिवाइड किया 1 आ गया, इन दोनों को डिवाइड करो √3, इसको इसको डिवाइड करना नॉट डिफाइंग है, इनफाइनाइट होती है, cot tan का उल्टा होता है, cosec sec का उल्टा होता है, sec cos का उल्टा होता है बस। तो आपको टेबल में सिर्फ साइन याद करना है, बाकी सब अपने आप बना सकते हो आप। तो आपने अगर टेबल बनाना सीख लिया तो बहुत अच्छी बात आ गई, अगर आपने कोऑर्डिनेट सॉरी साइन कन्वर्जन सीख लिया कि साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, साइन 60 प्लस थीटा क्या होता है, तो आपने बहुत बड़ी बात सीख ली, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के जो कॉम्पिटिशन व्यू है इसका वो इन्हीं में से आता है। तो आगे हम आइडेंटिटीज की बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, और हम इसके बेस पर न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे, ठीक है, कुछ वैल्यूज हम फाइंड आउट करेंगे साइन 720 डिग्री की, साइन 1024 की, ऐसी बहुत सारी वैल्यूज हम निकालेंगे, बड़ी बड़ी वैल्यूज, तो आप 0 से लेकर 90 तक याद करके रखना, क्योंकि न्यूमेरिकल करने में काफ़ी आसानी रहेगी। ओके, होप कि आपको समझ में आया होगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। जय हिंद।